good morning students i hope you are safe and healthy we are going to start a new chapter the chapter is india's festivals and dances you know very well that i am your social studies teacher so without wasting our time let's start this chapter india is a country of diversity people belonging to different place have different culture पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड हैव डिफरेंट डांसेस आप सभी को पता है कि इंडिया में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है डायवर्सटी मीनस क्या होता है कि विविधता पाई जाती है पीपल बिलोंगिंग टू डिफ़रेंट प्लेस यहाँ पर पता है कि अलग अलग प्लेस पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग कल्चर को अपनाया जाता है कुछ लोग हिंदुओं के कल्चर को अपनाते हैं कुछ लोग मुस्लिमों के कल्चर को अपनाते हैं कुछ लोग सिख्स के कल्चर को अपनाते हैं तो इंडिया में डाइवर्सिटी पाई जाती है पीपल इन डिफ़रेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स आप सबको पता है कि हिंदू कोई और फेस्टिवल्स बनाते हैं मुस्लिम्स कोई और फेस्टिवल्स मनाते हैं सिख्स कोई और फेस्टिवल्स मनाते हैं क्रिश्चियंस कोई और फेस्टिवल्स मनाते हैं और उनके अपने अपने डांसेस भी होते हैं अब आते हैं फेस्टिवल्स के ऊपर पीपल ऑफ़ डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल अलग अलग रिलीजन के पीपल लोग यानी अलग अलग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं यानी अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं तो हिंदुओं का सबसे मेन त्यौहार क्या होता है दशहरा दशहरा मार्क्स लॉर्ड रामा विक्ट्री ओवर रावणा यानी राम की जीत यानी राम भगवान की जीत किसके ऊपर रावण के ऊपर के उपलक्ष्य में हम दशहरा मनाते हैं ये क्या होता है बुराई पे अच्छाई की जीत यानी द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवेंट यानी बुराई पे अच्छाई की जीत को दर्शाता है एट मेनी प्लेसेस ऑल ओवर द कंट्री एफजाइज ऑफ रावना द किंग ऑफ लंका एंड हज़ ब्रदर कुंभकर्ण एंड सन मेघनाथ आर ब्रंट बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर क्या कहते हैं जो कि राजा था लंका का राजा आपको पता ही है यह रावण था उसका भाई कुंभकर्ण और मेघनाथ उसका बेटा आपको पता है कि इन तीनों के पुतले जलाए जाते हैं कई जगहों पे ठीक है इस तरह से हम इस त्यौहार को मनाते हैं बात करते हैं अब नेक्स्ट त्यौहार यानी नेक्स्ट फेस्टिवल पे वो है रक्षाबंधन आपको पता है कि रक्षाबंधन त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार होता है यानी ब्रदर एंड सिस्टर्स का त्यौहार होता है इस दिन राखी बांधी जाती है बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं आपको पता ही है और साथ ही साथ वो प्रमिस कर लेती हैं कि उसका भाई उन्हें प्रोटेक्ट करेगा ठीक है बात करते हैं दिवाली पे आपको भी पता है कि दिवाली एक फेस्टिवल ऑफ़ लाइट है इसको फेस्टिवल ऑफ़ लाइट कहा जाता है क्योंकि इस दिन काफ़ी सारे दियाज और लाइट्स से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर फोर्टीन ईयर्स ऑफ एग्जाइल यानी दिवाली क्यों मनाई जाती है चौदह साल वनवास काटने के बाद जब लॉर्ड रामा अयोध्या आए थे तो इस उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है इस दिन घरों को खूब सुंदर तरीकों से सजाया जाता है कैंडल से दिया से और भी बहुत सारी लाइट से कम टू द नेक्स्ट पेज पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स अमंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स गॉड लक्ष्मी इज वर्कशिफ्ट इन द इवनिंग यानी इस दिन क्या होता है कि भाई लोग अपने आपस में गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं साथ ही साथ गॉडेस लक्ष्मी यानी लक्ष्मी माता की पूजा भी करते हैं शाम को अब आते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल पे विच इज़ ईदुल्फितर ईद Fitr क्या होता है ईद उल्फितर इज़ अ मुस्लिम फेस्टिवल यानी ऐसा नहीं कि बहुत मुस्लिम ही मनाते हैं अब आपको पता है कि इंडिया डाइवर्सिटी वाला कंट्री है तो यहाँ पर जनरली बहुत लोग मनाते हैं बट मोस्टली मुस्लिम ही मनाते हैं इस फेस्टिवल को इट मार्क्स द एंड ऑफ द मंथ लॉन्ग फास्टिंग पीरियड कॉल रमज़ान ये कब मनाया जाता है ये एक लंबा रमज़ान आपको पता है कि एक रमज़ान रहा जाता है बहुत लंबे तक फास्टिंग की जाती है यानी व्रत रहा जाता है जिसको हम लोग कह सकते हैं अपनी हिंदू लैंग्वेज में कि व्रत लेते हैं लोग काफ़ी लंबे समय के बाद इस त्यौहार को मनाया जाता है रमज़ान के बाद ऑन दिस ओकेज़न इस ओकेजन में क्या होता है लोग नए कपड़े पहनते हैं मोसीकियूज़ यानी क्या के कहते हैं मस्जिदों पे दुआ पढ़ते हैं साथ ही साथ विश मांगते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं और यहाँ की मतलब इस त्यौहार की सबसे स्पेशल चीज़ क्या होती है वो होती है स्वीट डिश जिसे हम सेवई के नाम से जानते हैं ठीक है गुरु पर्व अब आते हैं गुरु पर्व पे विच इज़ अ फेस्टिवल ऑफ़ सिक्स गुरु पर मार्क्स द सेलिब्रेशन ऑफ़ द बर्थडे ऑफ द टेंथ सिख गुरु ये कब क्यों मनाया जाता है इस दिन दसवें गुरु का बर्थडे था ह्यूज प्रोजेशंस आर टेकन आउट इन मेनी सिटीज बड़े बड़े क्या कहते हैं प्रोजेशन्स उठे जाते हैं प्रोजेशन मतलब क्या होता है कि मतलब लोग भीड़ में निकलते हैं जिसे हम जुलूस भी कह सकते हैं ठीक है ना तो उस दिन क्या होता है कि जुलूस निकाला जाता है बहुत सारे लोग भीड़ में निकलते हैं दे ऑफ़र प्रेयर्स इन द गुरुद्वार वो लोग आपको पता है कि भाई प्रेयर करते हैं गुरुद्वार में अपने थाउजेंड ऑफ़ पीपल वहाँ पर फ्री ऑफ मील्स खाते हैं फ्री मील्स यानी फ्री खाना खाते हैं फ्री खाना खिलाया जाता है जिसे हम लंगर्स कहते हैं ठीक है बात आते हैं क्रिसमस पे क्रिसमस क्या होता है कि क्रिसमस एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल तो होता है क्रिश्चियंस का ये हर ट्वेंटी फाइव दिसंबर को मनाया जाता है इस दिन माना जाता है कि इस दिन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है उस दिन उनका जन्म हुआ था स्पेशल प्रेयर्स चर्चेस में होती हैं साथ ही साथ क्रिसमस ट्रीज़ को डेकोरेट किया जाता है और ऐसा लोग बिलीव मानते हैं कि सेंटा क्लॉस उनके लिए ढेर सारे गिफ्ट उस दिन बच्चों के लिए लेकर आते हैं सो नेक्स्ट जो है फेस्टिवल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चिल्ड्रन आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा थैंक यू एंड हैव अ गुड डे